अभ्यासों को करने से लंबाई बढ़ती है और यह अभ्यास को करने से जो लोग ओवरवेट की समस्या से ग्रसित हैं वह समस्या दूर होती है। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासना और फिर अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर ऐसे डिफेंड रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर रखते हुए किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करके रखें और फिर नीचे ऐसे ही से कम आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। यह अभ्यास बच्चों की लंबाई को बढ़ाता है और इस अभ्यास को अगर आप 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास पुरानी से पुरानी कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे त्रियक ताड़ासना। दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रखते हुए और अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ते हैं और सीधे देखते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और दोनों कोहनियां भी बिल्कुल सीधी रहे। 10 सेकंड रुकने के बाद फिर सेंटर में आते हैं फिर दूसरी साइड से। इस अभ्यास को करने से साइड फैट की समस्या दूर होती है। ऐसे ही दोनों साइड से कम 8 से 10 बार कीजिए। अब हम करेंगे वृक्षासना। आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने थाईज के पास ऐसे सटा लेते हैं और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस अभ्यास को बच्चों ने स्टूडेंट्स ने जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से हमारे पैर भी काफी मजबूत बनते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने छाती के मध्य में ऐसे रख लेते हैं और फिर नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को फिर दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे सटा लें और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लें, किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को भी ऐसे ऊपर को और फिर नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कोणासना। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेना है और अपने राइट हाथ से ऐसे अपने लेफ्ट पंजे राइट हाथ को लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने ऊपर की तरफ देखिए, अपनी हथेली को देखते हैं, फिर सेंटर में आते हैं एक दूसरी साइड से। ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम 15 से 20 बार कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर में जमा फैट की समस्या दूर होती है और यह अभ्यास हमारे शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाता है। फिर तीव्रता से अब हम करेंगे परिवर्त पार्श्व कोणासना। पहले आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने राइट पैर को ऐसे सीधे रखते हैं और लेफ्ट पैर को ऐसे पीछे ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। और सबसे पहले इस अभ्यास को आप ऐसे ही करें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे और पंजा जमीन पैर जमीन को स्पर्श कर रहा हो और 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं या फिर अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। जब आप
ऐसे ही कर लेते हो तो फिर इसके बाद आपने अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास रखते हुए इस अभ्यास को ऐसे ट्विस्टिंग के साथ करें, ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन किडनी पैंक्रियाज लीवर जैसे अंग उत्तेजित होते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर इसके बाद आपने ऐसे उचित हस्त परिवर्त पास कोणासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर ऐसे सीधे ऐसे ही सभी आपको फिर दूसरी साइड से कीजिए। अब आपने अपने राइट पैर को ऐसे सीधे रखते हैं और लेफ्ट पैर को ऐसे 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को मोड़ते हुए ऐसे अपने हथे कोहनी को ऐसे घुटने के पास रख लें और ऐसे और फिर अपनी हथेली को ऐसे अपने पंजे के पास रखते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, ऐसे अपनी हथेली को देखते हैं। और फिर ऐसे अपने हाथ को ऐसे घुटने के पास रखते हुए ऐसे अपने शरीर को ट्विस्ट कर लें। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक या फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे ऐसे ही से आप दोनों साइड से 2 से 3 बार कीजिए।